नासरीन आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ में खैर मकदम है। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत गुज़िश्ता रात डकैती और कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पर आरामगढ़ चौरास्ते पर मौजूद इंडस्ट्री में शातिर चोर जो कि चोरी करने की गर्ज से आए हुए थे, बीच बचाव करने पर सिक्योरिटी गार्ड पर इन लोगों ने अंधाधुंध तरीके से मारपीट करते हुए इसका बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त 25 साल मोहम्मद आसिफ के तौर पर की गई है, जिसका ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। आसिफ जो कि मोहम्मद महबूब की ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप में काम किया करता था, गुज़िश्ता रात चंद शरपसंद लोग यहां पर चोरी के इरादे से आए हुए थे, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी गार्ड आसिफ मौजूद थे, जिस पर बीच बचाव करने पर इन शरपसंद अनासिर ने आसिफ पर ही बेरहमाना तरीके से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया और चोरों ने वहां से 6 सीसीटीवी कैमरास, कीमती लोहे की सलाखें और दिगर कीमती मवाद का सरखा करके राह फरारी अख्तियार की। इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस और कंपनी के मालिक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने क्लूज टीम को भी वहां पर तलब करते हुए एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगर्ज़े पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पेश है एनडी टुडे न्यूज की एक खसूसी रिपोर्ट। मोहम्मद महबूब नाम है मेरा। मेरे कारखाने में एक हादसा हुआ, बच्चा अंदर सोया हुआ था, उसके साथ हादसा हुआ है। जैसे बच्चे 6.5 साल उसका नाम आसिफ है, और वो बच्चा अंदर सोया हुआ था। अब अचानक क्या मालूम क्या हुआ, किन्ने क्या करा, उसका तो कुछ मालूम नहीं है। तीन अपने दो बच्चे काम पर आए थे 6:30-7 बजे के आसपास। उन्होंने जब मेन गेट की उनके पास चाबी थी, तो जैसे एंटर हुए सामने कैमरा टूटा हुआ था, उसको देखे, फिर मेरे को कॉल करे, फिर मैं आया, आके यहाँ पे देखा, मेरे पास चाबी थी अंदर की, एक चाबी, बच्चा जिसके साथ हादसा हुआ उसके पास रहती एक चाबी। तो मैं आके लॉक खोला, फिर देखा तो उसका ऐसे हाल में मिला हुआ मेरे को। फिर बाद में पलट के देखा तो पीछे का डोर भी खुला था, बोले तो लॉक खुला था, डोर ओपन ही था, यानी चिपका हुआ था बस। और पूरा माल, कैमरे वैमरे सब तोड़ तोड़ा के लेके चले, पूरा सेटअप भी लेके चले गए। इससे पहले भी चोरी हुई मेरे पास, वो पूरे कैमरे वैमरे पूरे लेके चले गए थे। वहाँ पे कंप्लेंट भी करी थी, उन्होंने कंप्लेंट 2-4 घंटों के बाद लिए, फिर उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया, उनको कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो उससे पहले भी यानी 1.5 लाख का चोरी हुआ था, फिर वो साहब बोले वो कुछ भी नहीं करे। फिर अगर वो फिर उसके बाद ये हादसा हुआ, बच्चे की जान चले गई, माल का मेरे को कोई गम नहीं है, अफसोस ये है बच्चे की जान चली गई, उसका मेरे को बेहद अफसोस है, और उसके लिए मैं तकलीफ में हूँ कि काश पहले ये कर लेते थे, पुलिस वाले एक्शन उठा लेते थे, तो आज ये हादसा नहीं होता था। नाज़रीन आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ में खैर मकदम है।